हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी एस सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया पहला जे पेपर जो आपका पेपर हुआ था 21 जुलाई 2021 में जब से हिमाचल प्रदेश में जे की पोस्ट क्रिएट हुई है तब से लेकर इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक ही पेपर जे का कराया है वो, वो वो पेपर आपके आज सामने आज हम ले आए हैं इस पेपर में टोटल साठ क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से देखने को मिले हैं हमें इसमें हर क्वेश्चन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे चैनल का मिशन सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बल्कि उस क्वेश्चन को डिटेल में समझना है चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ दी फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज़ टू सेंड ई मेल ई मेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर बाकी की ऑप्शन को भी समझते हैं पहले में देखा था एस टी पी एस टी पी स्टैंड फॉर शील्डेड टूस्टिड पेयर ये आपका ट्विस्टेड पेयर का टाइप है ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप होते हैं यू टी पी एंड एस टी पी यू टी पी आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है एस टी पी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और ट्रांसमिशन ट्विस्टेड पेयर आपका गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट है ऑप्शन बी में देखा था एस एस एच एच इसका पूरा नाम होता है सिक्योर शेल ये आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट में इसका काम है नेटवर्क सर्विस को ऑपरेट करना एंड सिक्योरली प्रोवाइड करना और अनसिक्योर नेटवर्क से बचाना ऑप्शन सी पॉप थ्री स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री इसका काम है भेजी गई ईमेल को रिसीव करना एंड डाउनलोड करना एस एम का काम है ईमेल को भेजना और जो ईमेल भेजी गई है रिसीवर के एंड में जो ईमेल डाउनलोड होगी वो पॉप थ्री की वजह से होगी। पॉप थ्री प्रोटोकॉल इज़ यूज टू डाउनलोड द ई क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी एन स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कंट्रोल प्लस एफ फोर एम एस वर्ड में अगर आपने एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करना होगा जब आप कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा लेकिन लेकिन आपकी जो एम एस वर्ड की एप्लीकेशन है वो क्लोज नहीं होगी अगर आपने एम वर्ड की एप्लीकेशन को भी क्लोज करना है तब आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस एफ फोर कंट्रोल एफ़ फोर और ऑल्ट एफ फोर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कंट्रोल एफ फोर से आपका सिर्फ एक्टिव डॉक्यूमेंट क्लोज होता है लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन को भी क्लोज करना है देन यू नीड टू प्रेस ऑल्ट प्लस एफ फोर क्वेश्चन नंबर फोर इन एम एस एक्सल विच टू की मस्ट बी प्रेस्ड टू एंटर मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल एक सेल में अपने मल्टीपल लाइन एंटर करनी है तब आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस एंटर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर डी जावा इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम जावा आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो यूज़ करती है ऊप से कंसेप्ट को जावा लैंग्वेज आपकी आई थी नाइनटीन नाइनटी फाइव में उन्नीस सौ पचानवे में जावा के डेवलपर है जेम्स गोसलिंग और इसके पीछे जो डेवलपिंग कंपनी है वो है सन माइक्रो सिस्टम ऑप्शन ए में देखा था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका आया था उन्नीस सौ उनहत्तर में नाइनटीन सिक्सटी नाइन यूनिक्स की डेवलपर है केन थॉम्सन एंड जेनिस रिची इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था एंड यूनिक्स को बनने के लिए जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो की थी असेंबली लैंग्वेज लेकिन बाद में इसको सी में डिजाइन किया गया था अगर आपको क्वेश्चन में असेंबली लैंग्वेज ना हो तो आपने सी राइट लगाना है इसका आंसर यूनिक्स आपका मल्टी टास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑप्शन बी में देखा था लिनक्स लिनक्स आपका आया था नाइनटीन में उन्नीस में लिनक्स की डॉल्पर है लिनस टॉल वर्ल्ड ये भी आपका ओपन सोर्स ओपनिंग सिस्टम है ये भी आपका मल्टी टास्किंग यानी मल्टी यूजर है ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका भी ओपन सोर्स है एंड इसको डेवलप किया था गूगल ने गूगल कंपनी इसके पीछे है एंड इसका इन्वेंशन ईयर है 2008 2008 में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया था क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज डाटा सेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फाइल फाइल इज ऑल्सो नॉन एज डाटा सेट क्वेश्चन क्वेश्चन कम्स इन माइंड वट इज डाटा सेट डाटा सेट आपका होता है कलेक्शन ऑफ डेटा डाटा के कलेक्शन को बोलते हैं डाटा सेट फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो आपका डाटा सेट कर इसलिए इसका आंसर फाइल है लेकिन ऑप्शन बी में देखा था फील्ड फील्ड आपकी होती है कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन फील्ड को बोलते हैं एट्रीब्यूट एज वेल एज कॉलम एक कॉलम में सिर्फ एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है इसलिए इसका आंसर फील्ड नहीं हुआ सी में देखा था मॉड्यूल मॉड्यूल होता है आपका किसी प्रोग्राम का स्मॉल पार्ट बहुत सारे मॉडूल्स के बनकर आपका प्रोग्राम बनता है ऑप्शन डी में देखा था रिकॉर्ड रिकॉर्ड आपके होते हैं कलेक्शन ऑफ़ फील्ड बहुत सारी फील्ड को जब ग्रुप किया जाता है तब तो बनता है रिकॉर्ड डाटा में एक हिराड़की होती है बिट दैन बाइट उसके बाद करेक्टर फिर फील्ड फिर रिकॉर्ड फिर फाइल फिर डाटा बेस डाटाबेस आपका बनता है बहुत सारी कलेक्शन ऑफ फाइल से डाटा बेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरेटेड फाइल एंड फाइल आपकी बनती है बहुत सारे रिकॉर्ड के कलेक्शन से रिकॉर्ड बनता है फील्ड के कलेक्शन से एंड फील्ड बनती है कलेक्शन ऑफ करेक्टर करेक्टर बनता है आपका कलेक्शन ऑफ बाइट से एंड बाइट बनता है आपका नंबर ऑफ बिट से सो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें बिट है सबसे लार्जेस्ट इसमें डाटा बेस है आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि आपको इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना हो तो इसकी एक खिलाड़ी होती है बिट बाइट करेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस क्वेश्चन नंबर सेवन द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट प्रिंट यहाँ पे प्रिंट आईफोन था से मिस प्रिंट हुआ है प्रिंट एफ होगा पैंथीसिस परसेंट टू एफ कॉमा एलेवन पॉइंट वन टू थ्री फोर इज इस। इसका क्या आउटपुट आएगा इसका आउटपुट आएगा ऑप्शन नंबर ए इलेवन पॉइंट वन टू वो क्यों वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे परसेंट टू एफ लिखा है एफ़ का मतलब होता है फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप यूज़ किए जाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंट टू का मतलब है कि डेसिमल के बाद ये टू डिजिट की वैल्यू को उठाएगा क्वेश्चन में आपके डेसिमल के बाद चार डिजिट दी गई थी लेकिन इसमें दिया गया है परसेंट टू परसेंट टू का मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ दो डिजिट उठेगी इसलिए आपका आंसर एलेवन पॉइंट ट्वेल्व हुआ क्वेश्चन नंबर एट प्रेस डैश की टू ओपन द हेल्प विंडो इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर एफ वन एफ वन की वजह से आप हेल्प विंडो को खोल सकते हैं बाकी के कीज़ को भी समझते हैं ऑप्शन बी में देखा था एफ टू एफ टू की का यूज है टू डी नेम द फाइल और फोल्डर ऑप्शन सी में देखा था एफ नाइन एफ नाइन का यूज होता है टू रिमूव दी सेलेक्टेड आइटम और पोर्शन आपने कोई भी आइटम सेलेक्ट किया है या फिर आपने कोई पोर्शन सेलेक्ट किया गया है उसको रिमूव करना है तो आपको एफ नाइन प्रेस करना होगा ऑप्शन डी में देखा था एफ़ एवन एफ इलेवन का यूज़ है फुल स्क्रीन मोड पर अगर आपकी स्क्रीन छोटी है उसको आपने बड़ा करना है तो आप एफ एवन दवाएंगे और अगर स्क्रीन बड़ी है उसको छोटा करना है तो तभी आप एफ एलेवन दवाएंगे एफ एलेवन का यूज़ होता है फुल स्क्रीन मोड के लिए क्वेश्चन नंबर नाइन द डिफॉल्ट पेज और इज़ आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ऑनडेषन होती है वो होती है लैंडस्केप क्वेश्चन नंबर टेन फंक्शन इन एम एस एक्सल यूज मस्ट बिगिन विद एम एस एक्सएल में कोई भी फंक्शन या फार्मूला हो उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इलेवन स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्रांजिशन ट्रांजिशन का मतलब होता है जब भी आपकी आप एक स्लाइड से दूसरी साइड में मूव करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट लगेगा दैट इज ट्रांजिशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो स्लाइड शो को व्यू करने के लिए आपको दुआ करना पड़ेगी एफ़ फाइव ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर लेकिन अगर आपने करंट स्लाइड से स्लाइड शो करना है तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एफ फाइव एफ फाइव से आपका स्लाइड शुरू से स्टार्ट होगी लेकिन अगर आप जैसे आपके पास टोटल बीस स्लाइड है और आप इस वक्त पंद्रहवीं स्लाइड पर हैं तो आप चाहते हैं कि आपका स्लाइड शो पंद्रवीं स्टाइड से शुरू हो तो आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट प्लस एफ़ फ़ाइव ऑप्शन बी में एफ टू री के लिए ऑप्शन सी सी में एफ सेवन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए ऑप्शन नाइन ऑप्शन डी एफ नाइन इसका यूज होता है फुल स्क्रीन मोड के लिए थर्टीन विच कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर डी आई आर आर कमांड डी आई आर का कमांड फुल नेम है डायरेक्टरी ये आपकी इंटरनल कमांड है ऑप्शन ए में देखा था कॉपी कॉपी इज ऑल्सो इंटरनल कमांड कॉपी कमांड का यूज़ है आपकी किसी भी फाइल को कॉपी करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचाना ऑप्शन बी ट्री कमांड ट्री इज़ ऑल्सो इंटरनल कमांड ट्री कमांड की हेल्प से आप जितनी भी आपकी डायरेक्टरी होगी वो आपकी हल स्ट्रक्चर में आ जाएगी ऑप्शन सी सी डी सी डी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी अगर आपने डायरेक्टरी को चेंज करना है तो आप सी डी कमांड का यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल अभी आप सी ड्राइव में हैं आप चाहते हैं आपने डी ड्राइव में मूव करना है तब आप सी डी कमांड को यूज़ करेंगे सी डी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी ये चारों आपकी इंटरनल कमांड है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर को इंटरनेट पर अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आप आई एड्रेस की वजह से उसको कर सकते हैं आई एड्रेस में आई का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपका बत्तीस बिट का एड्रेस होता है इसके दो वर्जन होते हैं आई पी वी फोर एंड आई पी वी सिक्स आई पी वी फोर आपका बत्तीस बिट का होता है एंड आई पी वी सिक्स आपका वन ट्वेंटी एट बिट का होता है फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिवलपमेंटिंग मल्टी मीडिया वेब पेजेज़ ऑप्शन बी जावा जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है मल्टी मीडिया वेपेज के लिए जावा आपकी उन्नीस सौ पचानवे में आई थी इसके फादर जेम्स गौसलिंग है एंड इसकी डेवलपमेंट इसकी डिवेल्प जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया है वो है सन माइक्रो सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने इसको डेवलप किया है ऑप्शन ए में लिखा था कोबोल कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका इन्वेंशन ईयर है नाइन्टीन फिफ्टी नाइन उन्नीस सौ उनसठ इसके फादर है ग्रेस होपर इसका यूज़ होता है बिजनेस एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए ऑप्शन सी बेसिक बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल परपजस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड इन्वेंशन ईयर नाइनटीन सिक्सटी फोर बेसिक के फादर है जॉन जॉर्ज किनमे एंड इसका यूज है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए ऑप्शन डी असेंबलर असेंबलर आपके लैंग्वेज नहीं है ये आपका ट्रांसलेटर है इसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सिक्सटीन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल बेबेज वाज कॉल्ड ऑप्शन डी एनालिटिकल इंजन इन्होंने आप इन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था ऑप्शन ए में दिया था सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आपके वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आपका जो आपका वर्ल्ड का पहला था वो था क्रे वन लेकिन क्रे वन से पहले आपका आया था सी डी सी छियासठ सौ अगर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में सी डी सी दिए सी डी सी दिया होगा तो आपने सी डी सी टिक सी डी सी को टिक करना है लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम पेपर में क्रे वन दिया गया होता है तो आपने क्रे वन को टिक करना है क्रे वन इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एंड क्रे वन के फादर है सेमोर क्रे और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम एट थाउजेंड इसके फादर है विजय भटकर और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर आपका है फुगाकू जो है जापान का सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में फ्लॉप्स स्टैंड फॉर फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड सेवनटीन सॉरी ऑप्शन बी में देखा था एबैक्स एबैक्स आपका पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी इसका इन्वेंशन ईयर है सिक्सटीन जीरो टू एंड इसकी जो डेवलपमेंट कंट्री है वो है चाइना चाइना में इसको सबसे पहले बाद देखा गया था सी में देखा था कैलकुलेटर कैलकुलेटर आपकी नॉर्मल कैलकुलेटिंग डिवाइस है इसमें आप कोई भी स्टोरेज नहीं कर सकते सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं ओनली ऑथोमेटिक ऑपरेशन सेवनटीन वन मेगाबाइट इज इक्वल टू वन मेगाबाइट इज़ इक्वल टू वन जीरो टू फोर किलोबाइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एटीन डैश आर दैट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर ऑप्शन ए में देखा था आई पी एड्रेस ये हमने समझ लिया है ऑप्शन बी में देखा डोमेन डोमेन आपकी वो होती है जैसे आपका कोई वेब एड्रेस है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम डॉट कॉम आपकी गूगल डॉट कॉम आपकी डोमेन है डॉट इन किसी वेबसाइट के अंदर डॉट इन लगा होता है वो भी आपकी डोमेन होती है ऑप्शन डी में देखा था गेटवे गेटवे का यूज़ होता है टू कनेक्ट टू नेटवर्क हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल अगर आपके दो नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं उनको उनको कनेक्ट करना गेटवे का, का काम होता है एंड गेट वे ऑल्सो एक्ट एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर अ नेटवर्क किसी भी नेटवर्क में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का काम करता है गेट वे नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर कम फर्स्ट वर्ड स्टार ये आपका सबसे पहले आया था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ट्वेंटी विच ऑफ दिस इज नॉट एन एम एस ऑफिस वेब सर्विस ऑप्शन सी ड्रॉप बॉक्स इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हाउ मैनी कलर डॉट मेक अप वन कलर पिक्स ऑन स्क्रीन ऑप्शन डी थ्री तीन डॉट से मिलकर एक पिक्स बनता है और ये आपके होते हैं आर जी बी रेड ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू ट्वेंटी टू डब्ल्यू 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 स्टैंड फोर ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द राइट आंसर डब्ल्यू 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 आपका आया था नाइनटीन एटी नाइन में इसके फादर है टीम बर्नज ली और इन्होंने अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो यूज़ की थी इसको लिखने के लिए वो थी एच टी एम एल वो आई थी उन्नीस सौ नब्बे में उसके फादर भी टीम बर्नज ली है ट्वेंटी थ्री वट विल बी द शॉकट की इन विंडो टू परफॉर्म कट ऑपरेशन कंट्रोल एक्स इज़ द राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए में देखा है कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड का यूज़ होता है अंडू करने के लिए ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल वी का यूज़ है पेस्ट करने के लिए ऑप्शन डी कंट्रोल सी कंट्रोल सी का यूज़ है कॉपी करने के लिए कॉपी और कट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कॉपी में जब कंटेंट को कॉपी किया जाता है तो वो कंटेंट वैसे का वैसे रहता है और आप नई जगह पे उसको कॉपी कर सकते हैं लेकिन कट के केस में जो आपने कंटेंट कट किया या फिर कोई फाइल कट की तो वो वहाँ से डिलीट हो जाती है और उसको आप नई जगह पे मूव कर सकते हैं ट्वेंटी फोर अ वर्ड इन अ वेब पेज डेट वैन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज़ नॉन एज हाइपर लिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन ए में देखा था एंकर एंकर आपका एच डी एम एल का टैग है जिसका यूज होता है हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन सी रेफरेंस रेफरेंस इज अ वैल्यू डेट प्रोवाइड इन डायरेक्ट एक्सेस फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर डाटा को आपने इनडायरेक्ट एक्सेस करना है वो आप रेफरेंस की वजह से कर सकते हैं ऑप्शन डी में देखा था यू आर एल यू आर एल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका एड्रेस बार में आपको जो भी uh, डालते हैं एड्रेस एड्रेस में वो आपका यूआरएल होता है जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम ये आपका यूआरएल है ट्वेंटी फाइव इन कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू एस कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन सी में देखा था वंस कॉम्प्लीमेंट टू एस कॉम्प्लीमेंट्स को आने से पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट का आना जरूरी है वंस कॉम्प्लीमेंट में इन चारों कॉम्प्लीमेंट को हम एक नए लेक्चर में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे लेकिन इसमें हम इसमें मैं आपको भी भी ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं आपको एक बाइन नंबर दिया गया होगा जो भी वो नंबर दिया गया होगा जहाँ पे आपका वन है उसको आपने जीरो करना है जहाँ पे जीरो है वहाँ पर उसको वन करना है देट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट टू वेस्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं टू एर्स कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो भी गिवन नंबर होगा जब गिवन नंबर का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया उसके रिजल्ट में आपने वन ऐड करना है वन ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ टू एस कॉम्प्लीमेंट सेम प्रोसीजर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसे होता है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आपको डेसिमल नंबर गिवन होगा फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ये गया है फाइव सेवन सिक्स तो इसका जब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसके हर एक डिजिट को नाइन से माइनस करना है जैसे कि फाइव सेवन सिक्स है तो सिक्स को भी नाइन से माइनस करेंगे सेवन को भी नाइन से माइनस करेंगे एंड फाइव को भी नाइन से माइनस करेंगे इनको माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा और उस रिजल्ट में जब हम वन ऐड करेंगे दैट इज़ टेन्स कॉम्प्लीमेंट ट्वेंटी सिक्स ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ आपका पी ए पैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन बी में देखा था लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क आपका स्मॉल एरिया कवर करता है जैसे आपका ऑफिस बिल्डिंग स्कूल कैंपस एक्सेट्रा सी में देखा था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वी पी एन ये आपका एक सिक्योर नेटवर्क होता है ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क आपका बड़े एरिया को कवर करता है जैसे कंट्री टू कंट्री एंड इंटरनेट आपका वैन का एग्जाम्पल है ट्वेंटी सेवन वट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड इट प्रोवाइड सर्विस टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड इट इट इज यट इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये तीनों ही स्टेटमेंट इसकी राइट है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ द मैंशन अबव ट्वेंटी एट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक कंप्यूटर ग्राफिक आपके दो टाइप के होते हैं राष्ट्र एंड व्यक्ट ग्राफिक ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट 29. In इन इंटरनेट IP means IP means Internet Protocol. Option इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर int डाटा टाइप इंट कंटेन्ट बाइट इंट के टू बाइट कंडियर करता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 31. वन विच एस्केप सिक्वेंस इज यूज फॉर बीप ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है वो इसलिए क्योंकि ये इस चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं ऑप्शन बी में वैसे सही है लेकिन इसमें स्लैश की गलती हो गई है इसमें लगाना था बैकवर्ड स्लैश इन्होंने लगा दिया है फॉरवर्ड स्लैश दो टाइप के स्लैश होते हैं लेकिन एस्केप सिक्वेंस एस्केप सिक्वेंस में आपका हमेशा बैकवर्ड स्लैश ही यूज होता है इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप दिया गया है इसका जो राइट आंसर था वो था बैकवर्ड स्लैश फिर ए थर्टी टू वट इज़ फंक्शन ऑफ फॉर्म इन एम एस एक्सेस ऑल ऑफ दी अबव ये तीनों इसके बारे में सही दिए गए हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थर्टी थ्री मेकिंग सम चेंजेज इन द डाटा ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल और एडिंग मोर डाटा इज कॉल्ड सी मॉडिफिकेशन इज द राइट आंसर थर्टी फोर विच अमंगस दिस इज नॉट अ जम्प स्टेटमेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जम्प स्टेटमेंट नहीं है ऑप्शन ए फोर फोर आपकी जम्प स्टेटमेंट नहीं है ये आपके एक है. Go to? Go to आपकी एक लूपिंग स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में देखा था टू वट इज गो टू गो टू आपकी एक जंप स्टेटमेंट है गो टू का काम है जंप एनी वेयर इन अ प्रोग्राम ए प्रोग्राम में आपने किसी भी लोकेशन पे जंप करना है तो आप गोटू की वजह से करेंगे गोटू में हमें हम हम यूज करते हैं लेबल लेवल की वजह से उस लेवल में जो नाम दिया गया होगा उसकी वजह से हम जंप करेंगे प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑप्शन सी में देखा था कंटिन्यू कंटिन्यू इज़ ऑल्सो जंप स्टेटमेंट कंटिन्यू इज यूज इन साइड द लूप एंड वैन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इंकाउंटर्ड इन साइड अ लूप दैन कंट्रोल जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप जैसे ही आपकी कंटिन्यू स्टमेंट इंकाउंटर्ड होगी जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तब आपको जो लूप होगा जो, जो आपका इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो आपका फ्लो होगा वो आपके लूप के बिगनिंग में जाएगा ऑप्शन डी ब्रेक ब्रेक इज ऑल्सो अ जंपिंग स्टेटमेंट इट ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप एंड इट इज यूज टू इंसाइड दिस स्विच एंड लूप स्टेटमेंट ब्रेक का काम है लूप से बाहर निकलना थर्टी फाइव अ प्रिंटर डैट एम्प्लॉय स्टीम इन इट्स प्रिंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड डैश प्रिंटर इट इज कॉल्ड बबल जेट प्रिंटर हो सकता है कि आपके लिए ये नाम नया हो बबल जेट प्रिंटर इट इज़ ऑल्सो एज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बबल जेट और इंक जेट प्रिंटर में सिर्फ मामूली सा डिफरेंस है बबल जेट में आपकी जो प्रिंटिंग होती है वो स्टीम या हीट की वजह से होती है लेकिन इंक जेट में आपकी प्रिंटिंग इंक की वजह से होती है बबल जेट में इंक को स्टीम किया जाता है लेकिन इंक जेट में इंक की ड्रॉपलेट निकलती है लेज़र प्रिंटर इज़ ऑल्सो लेजर जेट इट इज़ आल्सो एज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड ऑप्शन डी भी दिखाए डॉटमेटिक्स प्रिंटर ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है

ऑप्शन ए में दिखा है कैशी मेमोरी कैश मेमोरी भी आपकी प्राइमरी और मेन मेमोरी का पार्ट है और ये ये आपकी प्लेस होती है सीपीयू और रैम के बीच में ये हाई स्पीड मेमोरी होती है इसका काम है डाटा को फास्ट एक्सेस फास्ट तरीके से डाटा को सी तक पहुँचाना थर्टी एट बिट स्टैंड फॉर बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर थर्टी नाइन अ प्रोग्राम आई द टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन तो गलत नहीं है लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिए गए सारे गलत दिए गए हैं एक भी ऑप्शन सही नहीं है इसका जो राइट right आंसर था वो था पॉडकास्ट पी ओ डी सी एस टी लेकिन इनसे इनसे मिस प्रिंट हुई है इन ऑप्शन सी में पॉडकास्ट की जगह वॉडकास्ट दे दिया गया है मतलब जहाँ पे वी है वहाँ पे पी आना था इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है द राइट आंसर इज़ पॉडकास्ट पी ओ डी सी एस टी फोर्टी द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स ये किसका सिंबल है ये आपका डिसीजन का सिंबल है एज़ वेल एज़ इन डी बी एम इसका यूज इसका एक सिंबल आपका रिलेशनशिप का भी है रिलेशनशिप में भी ये सिंबल यूज़ होता है ई आई डाइग्राम के अंदर लेकिन ये आपसे पूछा गया है डिसीजन के कम्पेरिजन में इसका आंसर ए सही होगा फोर्टी वन विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में आपका मैजिक टूल नहीं होता इटैलिक फॉन्ट बोल्ट ये आपके फोन स्टाइल होते हैं लेकिन मैजिक टूल इज़ नॉट फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ए टी पी ए टी पी आपका कोई भी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं होता HTTP stands for Hyper Text Transfer Protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. SMT SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. Forty-three. What is the full form of virus? Virus stands for Vital Information Resource Under Siege. Option A is the right answer. Forty-four. Every formula will start in MS Excel with which symbol? Option A equal to symbol is the right answer. Forty-five. Which of the following input device enable video conference? ऑप्शन सी वेब कैम इज द राइट आंसर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ई मेल एड्रेस ऑप्शन सी ए बी सी एट द रेट गवर्नमेंट डॉट इन ये आपका सही फॉर्मेट है क्योंकि ई मेल एड्रेस के सिर्फ दो पार्ट होते हैं एक यूजनेम एंड एक डोमेन यूजनेम आपका ए बी सी है एंड गवर्नमेंट डॉट इन आपके डोमेन है ए ए गलत है फोर्टी सेवन द हैक्सर नंबर सिस्टम हैज बेस जो आपका हैक्सर नंबर होता है उसका बेस होता है सिक्सटी इसमें जीरो से लेकर पंद्रह तक की वैल्यू आती है जीरो से लेकर नाइन तक ऐसे लिखते हैं लेकिन नाइन के बाद हम टेन नहीं लिखते टेन को लिखते हैं हम ए ऐसे करते करते जब फिफ्टीन आता है उसको लिखते हैं एफ़ एफ की वैल्यू होती है फोर टाइम्स वन 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 फोर्टी एट आ यूनिट ऑफ कंपाइलर अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट डैम इज़ नोन एज प्रोसेसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फोर्टी नाइन टेक्सट एडिटर डैट इज़ द पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ना एज नोट पैड इज द राइट आंसर फिफ्टी द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मेन मेमोरी का काम है डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करना टेम्प्रेरी फिफ्टी वन कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर कंप्यूटर आपका हार्डवेयर है हार्डवेयर आपकी वर्ड डिवाइस होती है जिसको आप टा चेंट फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर को आप टा चैन फिल कर सकते हैं डेट इज वाई कंप्यूटर इज एंड हार्डवेयर फिफ्टी टू वट इज़ दी फुल फ फॉर्म ऑफ डी वी डी यहाँ पर डी वी डी की दो फुल फॉर्में हैं लेकिन मैंने आपको लेक्चर में बताया था किसी पेपर में कि जब भी ऐसे दोनों फॉर्म के साथ आ जाए तो आपने प्रायरिटी देनी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज द राइट right आंसर अगर ये नहीं होता तो आपका आंसर होता है डिजिटल वीडियो डिस्क लेकिन ये दोनों साथ में दे गए हैं इसे प्रायोरिटी मिलेगी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को फिफ्टी थ्री स्टोरेज कैपैसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन स्टोरेज कपैसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन ट्रैक पर इंच पेस एज वेल एज बिड्स पर इंच ऑफ ट्रैक एंड ऑल्सो डिस्क पैक इन डिस्कल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फिफ्टी फोर हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर आपका एनलॉक डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सर होता है एग्जाम्पल बोथ डिजिटल एंड एनलॉक कंप्यूटर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फिफ्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन डी इंक जेट प्रिंटर यह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है डेट्स वाई ऑप्शन डिज़ द राइट आंसर 56. Which of the following is a type of RAM? Option A. SRAM. SRAM stands for Static Random Access Memory. जो आपकी कैश मेमोरी होती है, वो आपकी SRAM ही होती है. और लेकिन जो आपकी Dynamic RAM है, वो आपकी मेन मेमोरी होती है. 57. Which of the following is not the biometric input method? Option D. Age recognition. ये आपका biometric input method नहीं है. रादर दैन वॉइस रिकोगनेशन फिंगर रिकोगोग्नेशन एंड फेस रिकोगेशन ये तीनों ही आपके बायोमेट्रिक इनपुट मेथर है लेकिन एज रिकोग नहीं है ऑप्शन इज द राइट आंसर फिफ्टी एट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फिफ्टी नाइन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल यू आर एल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सिक्सटी ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डैट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू व्यू वेब पेजेज ऑप्शन बी ब्राउजर इज़ द राइट आंसर काफ़ी इजी पेपर था इस जिन्होंने भी ये पेपर दिया था उनके कम से कम पचास से ऊपर नंबर आने चाहिए इस पेपर में क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर देखने को मिला है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो आप अपने क्वारी को टेलीग्राम चैनल कमेंट या टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ थैंक यू हैव नाइस डे